हे गाइस, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, इसीलिए वीडियो बहुत लेट हो गया आने में, आई यू नो। लेकिन यहाँ पे जो है, आप लोगों के लिए आज एक ऐसा ही टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत लोगों को होता है मन में कि भाई एक स्मार्टफोन खरीदा जाए जो कि अंडर 10,000 हो। लेकिन यहाँ पे जो है, लोगों को मिल नहीं पाता कि आखिर भाई कौन सा स्मार्टफोन लें। यहाँ पे देखने में तो सभी एक ही जैसे लगते हैं। आज आप ही लोगों के लिए ये वीडियो आया है टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में कि अंडर 10,000 आपको टॉप 5 स्मार्टफोन कौन कौन से देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो में जो है, जो 5 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाले हैं वो जो है 10,000 के अंदर आने वाले। सभी में से जो जो बेस्ट होते हैं मैंने उनको चुन के निकाला है। इन पाँचों में से आपको कौन सा लेना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। और जो भी आपको फोन आपके रिक्वायरमेंट में बैठता हुआ नजर आएगा तो आप उस फोन को परचेज कर सकते हो। दोस्तों, पांचवें नंबर पे है Infinix Hot 10s। जिनको बड़ी डिस्प्ले वाले फोन चाहिए तो उनके लिए ये फोन बेस्ट पिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है 6.8 इंच का HD प्लस डिस्प्ले जो कि 90Hz के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट आपको 90Hz का देखने को मिलेगा। तो ये 10,000 के अंदर में 90Hz मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो इसमें इस्तेमाल किया गया है MediaTek का G85 जो कि 10,000 के अंडर वाले प्रोसेसर्स में सबसे बेस्ट प्रोसेसर यही है, MediaTek का G85 प्रोसेसर। वहीं पे दोस्तों, इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पे रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि 48+2+ AI कैमरा, एक AI कैमरा भी इसमें इनबिल्ट दिया गया है जो कि आपको फोटोग्राफी के टाइम में आपकी हेल्प होने वाली है इसमें। दोस्तों, अब सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है और बैटरी पावर तो बहुत ही गजब की दी गई है इसमें। इसमें 6000 mAh की बैटरी का यूज़ हुआ है। तो आप एक कॉम्पैक्ट जो है डिवाइस खोज रहे हो तो ये जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब दोस्तों, चौथे नंबर पे चलते हैं। अब जिनको 10,000 भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो अगर वो 9,000 के रेंज में फ़ोन खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे आप जो है Poco C3 को कंसीडर कर सकते हो। पोको की तरफ से आने वाला ये 9,000 में बहुत ही अच्छा फ़ोन है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.53 इंच की आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पे रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि 13+2+2 का कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया गया है। फ्रंट साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पर जो है कैमरा सैंपल्स की बात करें तो यहाँ पर कैमरा जो है मतलब ऑलमोस्ट अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर ही लेता है इस प्राइस रेंज को देखते हुए। यहाँ पर दोस्तों, बैटरी साइज की बात करें तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। और वहीं पे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया गया है MediaTek का Helio G35 प्रोसेसर। दोस्तों, ये गेमिंग चिपसेट नहीं है, इसमें आप जो है हाई लेवल गेम का मजा तो नहीं उठा सकते, लेकिन हाँ, छोटे मोटे गेम्स आप इसमें ज़रूर खेल सकते हो, इसमें कोई भी आपको परेशानी होने वाली नहीं है। दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर मैंने रखा है Realme Narzo 30A को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे Realme के Narzo सीरीज जो है वो काफ़ी अमेजिंग फोन्स जो है अपने साथ लेके क्या आता है, चाहे वो बजट रेंज वाले हो या मिड रेंज वाले हो, तो काफ़ी अच्छी फोन्स यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों, इसमें डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, वहीं पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है MediaTek Helio G85 प्रोसेसर जो कि मतलब 10,000 के अंदर में काफ़ी बेस्ट प्रोसेसर में से एक है। यहाँ पे दोस्तों, जो इसका कैमरे की बात करें तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है डुअल रियर कैमरा सेटअप जो कि है 13+2 मेगापिक्सल का। वहीं पे फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलने वाली है। वहीं पे बैटरी की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त इसमें बैटरी होने वाला है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया है 6000 mAh की बैटरी। तो आप जो एक रियलमी का फ़ोन अगर ढूंढ रहे हो 10,000 के अंदर में तो ये काफ़ी जो है गजब का होने वाला है, आप इसको चूज कर सकते हो। दोस्तों, सेकेंड नंबर पर जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन का नाम है Poco M2 Reloaded। जी हाँ दोस्तों, ये जो है 10,000 के अंदर में अभी भी सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। मतलब मुझे याद है कि ये फोन जो है पहले 11,000 का मिलता था, ये आपको 10,000 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों, इस फोन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले लगाया गया है। वहीं पे दोस्तों, इसके कैमरे की बात करें तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है क्वाड कैमरा सेटअप जो कि है 13+8+5+2 का। और वहीं पे फ्रंट साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है। वहीं में इस्तेमाल किया गया है 5000 mAh की बैटरी। और इन सब चीज़ों को अच्छे से वर्क कराने के लिए, चलाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है MediaTek Helio G80 प्रोसेसर। जैसे ये G85 से ज़्यादा मेजर डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा G80 में, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है इसके डिस्प्ले को लेकर के, इसके कैमरे को लेकर के, कि आपको 10,000 के रेंज में बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे डिस्प्ले और कैमरा का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है।
और दोस्तों नंबर वन पे जो स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन जो है नॉर्मली आपको 10,500 के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा आपको ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जैसे कोई सेल आती है तो यहाँ पे आपको प्राइस इसका 10,000 रुपये देखने को मिलने वाला है। इस डिवाइस का नाम है रियलमी नार्जो 20। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, वहीं पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जो कि है 48+5+2 मेगापिक्सल का, वहीं पे आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और यहाँ पे बैटरी साइज की बात करें तो यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और इन सब को ओवरऑल चलाने के लिए मीडिया टेक हेलियो Z85 का प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी जो है पावर पैक्ड स्मार्टफोन है। आप जो है इसे अगर ख़रीदना चाहते हो, अगर आप 10,000 के अंदर में कोई अच्छा कैमरा वाला भी ख़रीदना चाहते हो तो ये फ़ोन आप कंसिडर कर सकते हो। आपके मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फ़ोन आपके इसमें फिट बैठने वाला है। बाद बाकी आपको जो है आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसी के हिसाब से इन पाँचों फ़ोन में से आप कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन है ये 10,000 के अंदर में, मतलब कि आपको जो है परेशानी नहीं होने वाली, आपको ये नहीं लगने वाला कि 10,000 रुपये मेरे बर्बाद हो गए। तो आपको इन पांचों में से कौन सा फ़ोन स्मार्टफोन अच्छा लगा आप नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके पास अभी कौन सा स्मार्टफोन है तो इसके बारे में भी ज़रूर बताना। तो आई होप वीडियो में समझ गए होंगे कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।